वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोग लेकर आई हूँ ये ट्रेडिशनल इंडियन फैंसी मेकअप लुक। होप सो आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आए। और ये मेकअप लुक आप दुर्गा पूजा, दिवाली, करवा चौथ पे भी कर सकते हो, किसी भी फंक्शन वगैरह पे कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट कर लिया है। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग मैं अपनी स्किन केयर से कर रही हूँ, और मैं अपनी सभी वीडियोस में आपको बताती हूँ कि मेकअप करने से पहले आपको स्किन केयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पर मामाअर्थ का रोज फेस टोनर लिया है। ये आपके पोर्स को टाइटन करता है, मिनिमाइज करता है पोर्स को। सो इसे अप्लाई करने के बाद मैंने एल्फ गुडनेस का स्किन ग्लो सीरम लिया है। ये आपकी स्किन को ग्लो बनाता है, एंड के सेफ्रन वाला है। और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको बाय करना है तो आप लिंक में जाकर बाय कर सकते हो इजीली। सो इसे मैं अपने पूरे फेस एंड नेक पे अप्लाई कर लूँगी। ओके, देन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मामाअर्थ का विटामिन सी फेस मिल्क विद विटामिन सी एंड पीच। काफ़ी अच्छा है ये, आपके एकदम से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजर है एंड लाइट वेट फॉर्मूला है। सो इसे भी मैं अपने पूरे फेस एंड साथ ही साथ हम नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे। देन अब अपनी जो लिप्स है उसको हाइड्रेट करेंगे। आप कोई सा भी लिप बाम ले सकते हो। मैंने यहाँ पर बायो फ्रूट्स लिप बाम लिया है। मैंने पिक किया है पर्पल कार्ट्रू जेल 24K गोल्ड प्राइमर, और ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है। और ये जो हमारे पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है, और जो फाउंडेशन होता है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है। साथ ही साथ मैं इसको नेक पे भी अप्लाई करूँगी, और 2 मिनट हम वेट करने के बाद इस पर अप्लाई करेंगे स्विस ब्यूटी का पर्ल एल्यूमिनेटर मेकअप बेस। और ये काफ़ी अच्छा लगा, और इसका शेड नंबर 01 गोल्डन पिंक। अगर आपको ग्लैम लुक चाहिए, ड्यूई मेकअप चाहिए, तो आप फाउंडेशन से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो इसे भी मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। एज यू कैन सी कितनी शाइन आ गई है मेरे फेस पे। ओके, अगर आपको ड्यूई मेकअप चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का सुपर स्टे 24 फुल कवरेज फाउंडेशन, एंड मेरा शेड नंबर है 310 सैंड बेज। और ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। आपको इसकी MRP मैं बता देती हूँ। आई थिंक इसकी MRP 750 है, बट आपको ये डिस्काउंट पर मिल जाएगा। एंड ये ऑल स्किन टाइप फाउंडेशन है, ऑयल कंट्रोल करता है एंड शाइन फ्री फाउंडेशन है। सो गाइज, आप देख सकते हैं इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी लगी मुझे, एज यू कैन सी। और इसे पूरा डॉट डॉट करके मैंने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करा, एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। एज यू कैन सी आप इसकी कवरेज देख सकते हो गाइज। सो इसी तरह से मैं अपने पूरे फेस पे एंड नेक पे इसे अप्लाई कर लूँगी। फाउंडेशन को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने पिक किया है स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, और इसे फेस पे अप्लाई करने के बाद ड्राई होने देंगे। देन अब बढ़ते हैं अपने आई मेकअप के साइड पे। सो यहाँ पर मैंने पिक किया है वेट एंड वाइल्ड का प्रो आईब्रो पैलेट, जिसमें से मैंने ब्राउन एंड ब्लैक कलर को मिक्स करके अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी, एज यू कैन सी। यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर, और मेरा शेड नंबर है 02 स्टैंड, और मैं इसे अपने आई लिड एंड आईब्रो को डिफाइन करने के लिए इसे अप्लाई करूंगी। सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं कंसीलर को ब्लेंड कर लूंगी। और हमारा जो आई मेकअप होता है, बेस मेकअप होता है, मैं स्टार्टिंग से आपको सभी वीडियोज में बताती भी आई हूँ कि हमारा जो मेकअप होता है वो ब्लेंडिंग के ऊपर होता है। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करोगे तो हमारा मेकअप फ्लॉलेस नहीं दिखेगा, चाहे वो बेस मेकअप हो या फिर वो आई मेकअप हो। ब्लेंडिंग ही अच्छे से करनी है। सो गाइस, इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सेम कंसीलर ही मैं अपने अंडर आई एरिया पे, माउथ एरिया पे एंड जो लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। सो गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने स्विस ब्यूटी का कंसीलर ट्राई
ट्राई नहीं किया तो इसे ट्राई कीजिए। मैं हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अच्छी कवरेज देता है और अफोर्डेबल प्राइस पे आपको इजीली मिल जाएगा पर्पल पे, नाइका पे एंड अमेजोन पे मिल जाएगा। और इसकी MRP 1999। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको शेड मिल जाएंगे। और प्लीज़ गाइज, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो जल्दी से इसे चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैंने फॉगुलर के ब्रशेस पिक किए हैं और मैंने यहाँ पर पिक किया है पर्पल का बनाना पाउडर, काफी अच्छा है। मुझे अब तक का बनाना पाउडर ये बेस्ट लगा है और इससे मैं अपने बेस को सेट कर लूंगी, अपने लिड एरिया को और अपने जितना भी फेस पे मैंने फाउंडेशन लगाया पूरा सेट कर लूंगी। और गाइज, अगर आपको जानना है कि मैंने ये ब्रशेस कहाँ से परचेज किए हैं तो उसके लिए आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, वहां पर मैं टैग करूंगी उनके पेज को जहां से मैंने परचेज किया है। तो देरी किस बात की, जल्दी से मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ये स्पॉटलाइट की कलरफुल वाली पैलेट भी मैंने वहीं से परचेज किया, इसका भी लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। देन इसमें से मैंने पिंक कलर को पिक किया है, सो पीच कलर इसमें था नहीं तो मैंने पिंक कलर को पिक किया है पहले, और उसमें से मैं अपनी क्रीज लाइन पे और अपनी लिड पे इसे ब्लेंड करूंगी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, एज यू कैन सी। सो अगेन मैंने इसमें से ऑरेंज ही कलर पिक किया है ताकि मुझे पीच कलर थोड़ा सा काइंड ऑफ चाहिए था, तो दोनों को कलर मिक्स करके मेरा एक प्रॉपर शेड बन गया था। तो उसे मैं पिंक कलर के ऊपर ही अच्छे से ब्लेंड करूंगी। और अगेन मैंने ये क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लिया है जिससे कि मैं दोनों कलर को मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे और जो मेरा आई शेड हो वो एकदम सुपर डुपर लगे। और अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाओ, बस ब्लेंडिंग पे ही आपको जोर देना है और कुछ नहीं। ब्लेंडिंग करने से एक मुझे प्रॉपर अच्छा शेड मिल गया है, सो इसमें से मैं ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे सूट के ऊपर जो फ्लावर है वो ग्रीन कलर का है और जो मेरा दुपट्टा भी है वो भी ग्रीन कलर का ही है। सो मैं अपने आउटर कॉर्नर से इसे कट क्रीज करते ड्रॉ करूँगी मिड आईलेट तक। मैंने आज कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, काइंड ऑफ जैसे हम कट क्रीज ड्रॉ करते इसी तरह मैं ब्रश की हेल्प से कट क्रीज ड्रॉ कर लूँगी एंड फिंगर की हेल्प से मैं इसमें प्लेस कर लूँगी कलर ग्रीन कलर, देख सकते हो। और आउटर कॉर्नर पर मैं सेम कलर को डैप डैप कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, ऐसा ना लगे ऊपर से मैंने कलर को लगाया है, प्लेस किया है। सो अगेन सेम पैलेट में से मैंने ब्लैक कलर को पिक किया है और एंकल ब्रश से मैं इसे ड्रॉ करूंगी लाइनर की तरह। आप देख सकते हो एक लाइनर ड्रॉ करूंगी मैं। ड्रो हो चुका है, अब मैंने अगेन ब्रश लिया है एक क्लीन और अपने थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो लूंगी और उसे ब्लेंड करूंगी, काइंड ऑफ मेरे को थोड़ा सा स्मोकी लुक देना था तो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूंगी। ओके सो गाइज, अब मैं लोअर लैशेस पे सेम कलर को पिंक और ऑरेंज को मिक्स करके अपने लोअर लैशेस पे ब्लेंड कर लूंगी इसी सेम कलर को, एज यू कैन सी। और इसमें से मैंने ये ग्रीन ग्लिटरी कलर पिक किया है और अपने लिड एरिया पे मैं प्लेस कर दूंगी, थोड़ा सा मुझे शिमरी लुक चाहिए था तो आप देख सकते हो। और दोनों लिड एरिया पे मैं इसे प्लेस कर, कोई कलरफुल वाली आई शेडो पैलेट देख रहे हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इसे मैंने कहाँ से लिया उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे देखना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे मैं इनको टैग कर दूंगी और अगर आपको लेना है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। और गाइज बिल्कुल वर्थ ही है, आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करना है इस पैलेट में और आपकी ये लॉन्ग टाइम चलने वाली है। और आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल वाले कलर है इसमें। एंड गाइज, अब हम आई मेकअप को थोड़ा सा छोड़ देते हैं फिर हम करते हैं अपना फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पर शुगर की पैलेट लिया है जिसमें हमें ब्राउन्जर मिल रहा है, हाइलाइटर मिल रहा है एंड ब्लश मिल रहा है। तो ब्राउन्जर लेकर मैंने अपने पूरे फेस की कंटोरिंग कर लूँगी ताकि जो मेरा थोड़ा सा हैवी फेस है वो थोड़ा सा पतला लगे, एज यू कैन सी। अपने चिक्स की जो लाइन एंड फोरहेड की एंड नोज की कंटोरिंग कर लेंगे ताकि मेरा जो फेस है वो थोड़ा सा पतला सा लगे। सो गाइज, कंटोरिंग हमारी हो चुकी है। सो सेम पैलेट में से मैंने ब्लश लिया है, स्माइल करते हुए लगा लेना ब्लश। और ये सभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये सारे फोकलर के ब्रशेज हैं और काफ़ी सॉफ्ट वाले इसके ब्रशेज हैं। गाइज, हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का हाईलाइट लिया है जिसमें हमें हाईलाइट एंड ब्राउन्जर पैलेट मिल रहा है और ये काफ़ी अच्छा वाला मुझे लगा। और जो इसमें हाईलाइटर ना वो काफ़ी पिगमेंटेड वाला है और आप देख सकते हो गाइज। और मेरे हिसाब से ना मेकअप हाईलाइटर के बिना अधूरा है, बस मैं ये इस पार्ट का वेट करती हूँ कि कब मैं हाईलाइटर लगाऊंगी और कब मेरा फेस शाइन करेगा। सी गाइज, पूरे फेस पे हाईलाइट कर लेंगे, चिन एंड चिक्स की एंड फोरहेड की हम हाईलाइट कर लेंगे और इनर कॉर्नर पे भी हम लगा लेंगे।
अब मैंने पिक किया है इन कलर का ब्लैक काजल, और ये काफ़ी अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिंग है, एकदम ब्लैक वाला, ये प्रॉपर ब्लैक वाला काजल है। और इसे मैं लोअर लैशेज एंड अपर लैशेज पे अप्लाई कर लूँगी। मस्कारा मैंने यहाँ पर पिक किया है मेबलिन फिट मी का हाइपर कलर मस्कारा है, और ये भी काफ़ी अच्छा मस्कारा है। और इसे मैं अपने लैशेज को कल करते हुए बाद में मैंने ऑफलाइन अपनी लैशेज अप्लाई कर ली थी। लिपस्टिक की यहाँ पर मैंने टू शेड लिए हैं, एक लाइट लिया, एक डार्क लिया। पहले मैं डार्क लगा के देख रही थी, ये पर्पल का मिनी लिपस्टिक है, एक स्ट्रेक रिकी का है, बट दोनों के लिंक मैं आपको डाल दूंगी, अभी मुझे शेड नंबर याद नहीं है। और ये जो डार्क मैंने अप्लाई किया था ये अच्छा लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था इससे थोड़ा सा हैवी हैवी सा लगेगा, हैवी मीन्स थोड़ा डार्क लगेगा, तो मैंने ऊपर से न्यूड कलर इसके ऊपर अप्लाई किया है। और आप देख सकते हो, आप लोगों को दोनों में से कौन सा शेड अच्छा लग रहा था वो मुझे बताना कॉमेंट करके। सो गाइस, इसके ऊपर मैंने स्ट्रेक कुर्की का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई किया है। सो इसके बाद मैंने यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है ग्लॉसी लिप्स का, तो मैंने यहाँ पर ऊपर से ग्लॉस अप्लाई किया है, शाइनी शाइनी वाली, आप देख सकते हो। लास्ट में मैंने मेकअप फिक्सर अप्लाई किया था स्विस ब्यूटी का, जिससे कि मेरा मेकअप सेट हो जाए। सो गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने बन बना के दिखाया, स्टार्टिंग में मैंने आपको लूज में दिखाया था, दोनों मैंने करके दिखाया है। आप किसी भी तरीके से ये मेकअप लुक कर सकते हो, और ये मेकअप आप किसी पार्टी फंक्शन, दिवाली, करवा चौथ, दुर्गा पूजा, किसी पे भी कर सकते हो। स्टेप टू स्टेप मैंने आज आपको करके दिखाया है। सो होप सो मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना, और मैं कैसी लगी ये भी बताना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल एंड बाय बाय, लव यू ऑल।